हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब ब्यूटी। आज मैं आपके सामने रिव्यू कर रही हूँ लैक्मे 925 मैट मॉइस्ट मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र का। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है समर्स के लिए। मैं आपको अपने प्रोडक्ट लैक्मे 925 की कंसिस्टेंसी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, इस फॉर्म में होती है। ये बहुत ही लाइट वेटेड है और ये स्किन में बहुत ही ईजली एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है इसका, लैक्मे 925 का। और ये क्रीम आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हो, दिन में कभी भी लगा सकते हो, और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। ये क्रीम हमें 3 बेनिफिट देगी, जैसे कि पैकेजिंग में लिखा हुआ है कि विजिबल पोर रिडक्शन, ऑयल फ्री और 12 आवर मॉइस्चर। ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। मैंने इसको जब अप्लाई किया तो ये बहुत ही ईजली स्किन में एब्जॉर्ब हो जा रही है, और बहुत ही अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है और बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। समर्स के लिए, ऑयली स्किन पीपल के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, उन्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए जिनकी ऑयली स्किन है। और मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र विद ग्रीन टी है, साथ में ही इसमें ऑयल कंट्रोल करना है। ऑयल कंट्रोल ये करता है, पोर रिडक्शन कर रहा है और मॉइस्चर दे रहा है, तो गर्मी के लिए एक ये परफेक्ट पैकेज है। आप इसको नहाने के बाद अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर एनी फेस वॉश यू कैन अप्लाई दिस। आप मेकअप से पहले से अप्लाई कर सकते हो, मेकअप के आप प्राइमर एज अ प्राइमर इसे यूज़ कर सकते हो। और इस कंसिस्टेंसी इतनी लाइट है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाया है। ये बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही एक मुझे तो ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगी, और मैं इसे अप्लाई करने के बाद बहुत ही हल्का लाइट महसूस कर रही थी स्किन पे, और मुझे बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं फील हुई। और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है समर के लिए मॉइस्चराइज़र के लिए, एज अ मॉइस्चराइज़र। और फ्रेंड्स, आपको अगर और भी प्रोडक्ट के रिव्यू देखने हो या क्रीम्स देखनी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं आपको जाते जाते अपने वीडियो को एंड करते ये भी बता दूं कि मुझे लैक्मे 925 मॉइस्चराइज़र, ये मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र 349 रुपीज़ का मिला है और ये 50 ग्राम प्रोडक्ट है। और आप इस गर्मी, इस समर में आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, और आपको ये कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू व्यूअर्स।